कांग्रेस कार्यालय में उस समय अजीबोगरीब की स्थिति बन गई जब यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय खुलने और बंद होने का बोर्ड लग गया। इस बोर्ड में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय खुलने का समय सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक का था और रविवार को अवकाश रहने का बोर्ड लगा था। इस बोर्ड को देखकर कांग्रेस के नेता भड़क उठे, उन्होंने इन बोर्ड को गुस्से में तोड़ दिया। वहीं भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालय समय सुनिश्चित कर दिया है, 11 बजे से 6 बजे तक और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद और रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ठीक ही कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां के नेताओं की सत्ता की खुमारी अभी भी नहीं उतर रही। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सत्ता में, और यही बात चरितार्थ हो रही जीतू पटवारी के इस निर्णय से। और कहा तो जाता था कि कमलनाथ कारपोरेट कल्चर के नेता, लेकिन उन्होंने भी अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस तरह का निर्णय नहीं लिया। शायद देश के राजनीतिक दल के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इस प्रकार का निर्णय लिया कि अपने कार्यालय को कार्यालयीन समय में बांधा है। तो निश्चित तौर पे जीतू पटवारी के इस निर्णय का कांग्रेस जन ही विरोध करना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा और विवेक त्रिपाठी ने उनके जो समय निश्चित करने वाले बोर्ड है उसको उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया और इस निर्णय का खुलेआम विरोध कर दिया, आक्रोश की अभिव्यक्ति कर दी। तो जीतू पटवारी जिनके नेतृत्व के अंदर हजारों, जब से अध्यक्ष बने हजारों कांग्रेस जन कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, 5 लाख से अधिक नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, जहां गिनती पर गिने जाने वाले चंद नेता कार्यकर्ता बचे। अब उनसे मिलने के लिए भी समय सुनिश्चित किया गया, 11 बजे से 6 बजे तक मिलेंगे। शायद उनकी गिनती तो इतनी है कि शायद 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर पूरी कांग्रेस से लोग मिल सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी ने उसे 11 से 6 बजे तक बांधा है। जीतू पटवारी के इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बड़े बेतुके निर्णय के लिए जाने जाते हैं और खुद कहते हैं कि पार्टी का तेल लेने कांग्रेस के प्लाट को समतल कर रहा हूं। शायद उनका निर्णय भी ये, उनकी जो बात वो कहते हैं उसी को चरितार्थ कर रहा है कि वो पार्टी को तेल लेने भेजना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जो उनका फैसला है इसको लेकर बड़े विरोध के स्वर कांग्रेस में उठना शुरू हो गए और इसका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा।